अच्छा। तो आपका जो ये पूरा निवेश है अभी विजय जी, SIP भी चल रही है आपकी, एक दो तीन चार पांच फंड्स में, और आपका कुछ एक मुश्त निवेश है जहां से आपने बताया कि वहां से STP जा रही है बेसिकली एक दो फंड में, राइट? तो ये निवेश आप कब तक जारी रखना चाहेंगे? मैं तो देखो 5 साल तो कम से कम रहेगा ही, 5 साल कम से कम रहेगा ये निवेश जी। तो कितने पैसे हमने जमा कर दिए हैं और हर साल मैं उसमें जमा कर दूंगा तो एसटीपी चलता रहेगा। अच्छा, और उसके बाद वो पैसे या तो आपके इस्तेमाल में आएंगे या फिर आपके बच्चे के इस्तेमाल में आएंगे, राइट? वो हम लोग मैंने एक आश्रम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, तो उसके भी खर्चे होंगे तो उसमें लगेंगे आगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 साल का ड्यूरेशन आप लेके चल रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से आपको सलाह देते हैं। ओके, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वहां पर आवाज आ जाएगी मोहित जी की, क्योंकि अभी जो मोहित जी बोलेंगे आपको वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है? चलो, थैंक यू अपना क्वेश्चन शेयर करने के लिए। बताइए, पोर्टफोलियो दिखा दे क्या एक बार क्विकली? हाँ, क्या है पोर्टफोलियो दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, ये मुझे मालूम था, भूल गए। ये देखिए, ओके, मेरे में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ग्रोथ। सो बेसिकली इन्होंने निपॉन और मिराए में पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो को वो कर लिया है। एक बहुत अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। बहुत बहुत अच्छी योजना है ये, और काफी अच्छी बात कि आपने ये कर रखी है। उसी तरह की एक और योजना है स्वाति, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। और जो लोग सीनियर सिटीजन हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको 7.4% इंटरेस्ट मिलता है इसमें। 5 साल के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। और अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं हायर स्लैब में तो 7.4% सेफ तरीके से एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। इट्स अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है, देखिए आप हिमालय में तो डेफिनेटली चले ही जाएंगे कि जिस तरह से आपने पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, एक ही फंड हाउस के सारे स्कीम्स आपने ले रखे हैं, मिराए और निपॉन, दो फंड हाउस, माफ कीजिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ अलग करना चाहिए यहाँ पर। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करिए, थोड़ा कम करिए दोनों ही फंड हाउसेस से, या फिर जो इंक्रीमेंटल एलोकेशन कर रहे हैं वो इन दोनों में बंद कर दीजिए अब, और कुछ नए फंड हाउसेस लीजिए। थोड़ा एक लार्ज कैप फंड लीजिए, कोई एक अच्छा इंडेक्स फंड का चुनाव करिए। आप चाहें तो प्रो ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं वहां पर। एक आध अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, आप वहां पर पराग पारेख का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो UTI फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। इनमें से किसी का चुनाव करिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और फैलाइए, थोड़ा विस्तार कीजिए उसका कुछ अलग फंड मैनेजर्स में। देखिए, एक ही तरह का दिमाग अगर चलता रहेगा तो एक ही तरह का नतीजा आएगा, राइट? इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। बेसिकली सेम तरह से सोचेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा हर बार, उस कुछ बदलाव नहीं होगा। तो आपको जरूरत है एक छोटे से बदलाव की, कुछ अलग डाइवर्सिफिकेशन की ऑन द फ्रंट ऑफ फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस, वो करिए, बाकी सब ठीक है।